तो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़े थे टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे टीचिंग मॉडल्स। तो टॉपिक देख लेते हैं आज टीचिंग मॉडल्स में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टीचिंग मॉडल्स के बारे में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स बिहेवियर कैसे टीचर्स को टीचिंग मॉडल चेंज करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सा टीचिंग बिहेवियर सही होगा। सेकेंड में है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग। इस मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में मेनली हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ टीचिंग। एक है आपका टीचर बेस्ड और एक है आपका स्टूडेंट। तो ये देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर बेस्ड और स्टूडेंट बेस्ड क्या होते हैं, और उनके बारे में ही एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि आपका लेक्चर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप क्लासरूम, काइनेस्टिक लर्निंग, ऐसे भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो टीचिंग में अप्लाई किए जाते हैं और उन्हें दो डिफरेंट पार्ट्स में किया जाता है। एक है आपका टीचर मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड, और दूसरा है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लास के बाद आप इम्पैक्टिकल क्लास में जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिकल क्लास है, वहाँ पे जाके आप ये PDF जो है लेक्चर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टीचिंग मॉडल समझते हैं। तो हम लोग ने बताया हर एक स्टूडेंट अलग होते हैं और टीचर्स को रूल्स फॉलो करना चाहिए। वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था हर एक स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं और उनके लिए अलग अप्रोच अप्लाई करना चाहिए। अब क्या क्या वो अप्रोच है वो देखेंगे। पहला है आपका सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सोशल इंटरेक्शन मॉडल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करे, जैसे ग्रुप डिस्कशन, क्लास में पार्टिसिपेशन, ग्रुप के साथ कोई प्रोजेक्ट पे काम करना, टीम बेस्ड कोई काम करना उसका, ताकि सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज किया जा सके। वही है आपका सोशल इंटरेक्शन मॉडल। दूसरा है आपका बिहेवियर ऑल्टरिंग मॉडल। बिहेवियर ऑल्टरिंग मॉडल में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर होते हैं उन्हें चेंज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्लास में रहते हैं तो क्लास में जब भी कोई आता है, टीचर आते हैं, हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, खड़े होके हम लोग सबसे पहले उनको विश करते हैं। या फिर हम लोग क्लास से कभी बाहर जाना होता है तो उसके लिए उनसे परमिशन लेते हैं। यही सब बिहेवियर में जो हम लोग के चेंजेस लाए जाते हैं, इन्हें ही कहा जाता है आपका बिहेवियरिंग ऑल्टरिंग मॉडल्स। फिर आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाएगा उसको समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का टीचर क्या चाहेंगे, आप वो जितना भी हिस्ट्री में लिखा गया है उसको याद कर लें, उसे अपने वर्ड्स में नहीं पर जो भी लिखा गया है, जो भी डेट्स पर हुआ है वो इवेंट, उसे याद कर लें। ऐसे ही अगर मैथमेटिक्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया तो वो टीचर क्या चाहेंगे कि आप जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ लें और उन कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके अपना आगे का एग्जाम दे और आगे जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उसे सेम तरीके से प्रोसेस करें। यह है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। जैसा आपका इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग का मेथड भी वैसा ही होना चाहिए स्टूडेंट का। जैसे मैंने बताया हिस्ट्री को याद करना है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट समझना है। फिर आते हैं पर्सनल बेसिस मॉडल। पर्सनल बेसिस मॉडल में क्या होता है, एक स्टूडेंट को आपका कॉन्फिडेंस दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने वो मूवी देखा होगा तारे जमीन पर। तारे जमीन पर जो स्टूडेंट है उस वो मतलब पढ़ाई में थोड़ा वीक है, लेकिन टीचर्स जो है उनको इतना बड़ा भला बुरा कहते हैं कि उसका मतलब पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसको लगता है वो किसी काम का नहीं है। जबकि आमिर खान के रोल जो प्ले कर रहा था टीचर, वो आके उसी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। पर्सनल बेसिस मॉडल यही है कि
आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वही है आपका पर्सनल बेसिस मॉडल। एक पर्सन में कॉन्फिडेंस लगाना, एक पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। फिर आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग अगर कहा जाए तो दो मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। इसके लिए मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए टीचिंग का अगर देखा जाए आपके दो मेथड्स मेनली होते हैं। एक है आपका टीचर, दूसरा आपका स्टूडेंट सेंट्रिक। अब इसी तरीके से समझिए, टीचर सेंट्रिक मेथड मतलब क्या होता है, टीचर पे मेनली आपका फोकस किया जाता है कि टीचर क्या पढ़ाते हैं, टीचर कौन सा एडुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। एक टीचर है वो क्लास में मान लीजिए 40 से 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो हो गया आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट को मेन फोकस दिया जाता है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में जो ट्यूशन टीचर आते थे हम लोग को पढ़ाने के लिए, वो हम लोग से जानना चाहते थे कि क्या प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में तुमको डिफिकल्टी है, तो उसी चैप्टर को वो क्लियर करते थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। तो टीचर सेंट्रिक मेथड और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, आपको सिंपल तरीके से ये याद रखिए कि टीचर सेंट्रिक मेथड जो होता है उसमें टीचर मेन फोकस पर रहते हैं, और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जो होता है उसमें स्टूडेंट आपके मेन फोकस में रहते हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, पहले टीचर सेंट्रिक देखते हैं। तो टीचर सेंट्रिक मेथड अगर देखा जाए तो ये आपका कॉन्वेंशनल मेथड होता है, मतलब ज्यादातर आपके हमारे क्लासेस में यही सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि एक टीचर रहते हैं और टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और टीचर आपके मेन फोकस में रहते हैं, मतलब टीचर जो चाहे वही पढ़ाते हैं। फिर आता है आपका, यहाँ पर स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव लर्नर होता है। पैसिव लर्नर क्यों होता है, देखिए टीचर जो पढ़ाना चाहते हैं वही बच्चे पढ़ते हैं और वो अपने से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें क्या पढ़ना है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर हो जाते हैं सिर्फ लर्नर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी कम क्यों है कि यहाँ पर सभी के ओपिनियन नहीं लिए जाते, टीचर को जो सही लगता है कि स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसी को टीचर पढ़ाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में अगर देखा जाए एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम लोग देखें कि आज से 50 साल पहले या फिर 100 साल पहले, यह तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, 20-25 साल पहले की बात रख लेते, वहाँ पर आपके प्राइवेट ट्यूशंस नहीं होते थे, स्टूडेंट के इतने प्रॉब्लम्स एक टीचर सॉल्व नहीं करते थे, तो ये काफ़ी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, मतलब जो पढ़ाई किया जा रहा है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या होगा, टीचर सेंट्रिक मेथड में मान लीजिए आपके क्लास में मैथ के टीचर आए हैं, टीचर आए तो मैथ्स के टीचर जो क्लास में आए हैं वो आके क्या करेंगे, मैथ का कोई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए उन्होंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया, वो स्टूडेंट से नहीं पूछते उन्हें क्या सीखना है, लेकिन वो ट्राई करते हैं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये नेसेसरी भी है
40 या फिर 50 स्टूडेंट से पूछेंगे उनको क्या चाहिए, तब उनका बहुत लेट हो जाता है क्लास में। इसलिए ये है टीचर सेंट्रिक मेथड। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट इज द पैसिव लर्नर। स्टूडेंट क्या हो जाता है? पैसिव लर्नर, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कि टीचर क्या पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे। अभी सेम एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, वहाँ पर मान लीजिए आपके मैथ के जो ट्यूटर है, मैथ्स के ट्यूटर ने आपको कोई होमवर्क दिया या आपको कुछ पढ़ाने वाले हैं, वो सबसे पहले आके पूछेंगे कि आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, आप अपना रेस्पॉन्स देंगे कि हाँ मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है या फिर ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पढ़ाई में। अब देखेंगे कुछ मेथड्स, और यहाँ पर आप लोग टेस्ट करने का ट्राई कीजिए ये कौन सा मेथड है, ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक है या फिर आपका लर्नर सेंट्रिक, सॉरी स्टूडेंट सेंट्रिक है या फिर आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है। तो सबसे पहले आपका लेक्चर मेथड, ये तो सबसे कॉमन मेथड है। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक टीचर रहता है, वो अपना लेक्चर देते हैं और उन लेक्चर को फॉलो करके क्लास नोट्स बनाते हैं, तो उनका एडुकेशन आगे बढ़ता है। तो लेक्चर मेथड कौन सा है, तो ये है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आपके जो टीचर होते हैं वो आपको कोई चीज़ करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा होगा, उस मूवी में एक आदमी को काट के जो ऑपरेशंस है मेडिकल स्टूडेंट्स है उनको सिखाया जा रहा है पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। या फिर आप लोग में से बहुत जन के स्कूल में क्या हुआ था, आप लोग को फ्रॉग ले जाने के लिए बोला था और उस बॉडी काट के फिर ऑर्गन्स को दिखाया गया था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपके किस में आएगा, ये आपके सेंट्रिक ये आपके टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक दोनों में आ सकता है। इसे का इसे बोला जाता है आपका मिक्स मेथड, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है कि हर एक स्टूडेंट जो है इंडिविजुअली सीख रहा है कि कौन से ऑर्गन कौन से बॉडी पार्ट्स रहते हैं। और यहाँ पर जो मेन टीचर है वो एक ही जन पे सब दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर फ्रॉग कटिंग का एग्जाम्पल दिखाया जाए तो टीचर सिर्फ एक फ्रॉग काट के पूरे क्लास को दिखा देता है। ऐसा नहीं होता था कि टीचर जाके 40 फ्रॉग जो है सबको काट के बच्चों को दिखा। तो ये है आपका टीचर प्लस स्टूडेंट सेंट्रिक, तो ये है आपका मिक्स मेथड ऑफ लर्निंग। फिर है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, आप खुद से कुछ फाइंड आउट करते हो। मान लीजिए कि आपको घर में बिरयानी बनाना, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या करोगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि कैसे बिरयानी बनाया जाता है, या फिर आप किताब में पढ़ोगे कि कैसे बिरयानी बनाया जाता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड है आपका सेल्फ लर्निंग, तो आप खुद से खुद सीखते हो। और ह्यूरिस्टिक मेथड आपका क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड है आपका स्टूडेंट यहाँ हर एक स्टूडेंट जो है वो अलग है
और वो अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकता है। फिर आते हैं फ्लिप क्लासरूम। जो ये क्लास हो रहा है वही है एग्जाम्पल फ्लिप क्लासरूम का, यहाँ पर टीचर है वीडियो रिकॉर्ड करके देते हैं, उस रिकॉर्डेड वीडियो को कोई स्टूडेंट एक जन भी देख सकता है या फिर बहुत जन स्टूडेंट एक साथ मिलके भी देख सकते हैं। तो ये फ्लिप क्लासरूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीचर सेंट्रिक, क्योंकि अगर ये क्लासेस देखे जाए तो ये मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मुझे पढ़ाने का मन है। जब आपके डाउट क्लासेस होंगे उस वक्त आपके जो कमेंट्स में डाउट होंगे उसी को मैं पढ़ाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेंट्रिक, पर ये है आपका टीचर सेंट्रिक। फ्लिप क्लासरूम मतलब वीडियो के थ्रू जो पढ़ाया जाता है। फिर है आपका काइनेस्टिक लर्निंग। काइनेस्टिक लर्निंग मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई काम करके खुद सीखते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का कोचिंग हो गया, या फिर किसी भी गेम के लिए हम लोग जब कोचिंग करते हैं, या फिर कुकिंग क्लासेस हो गए, तो ये सब क्या हो गया काइनेस्टिक लर्निंग, व्हेन वी लर्न समथिंग बाय डूइंग इट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट फिर आते हैं हम लोग डिस्कशन मेथड पे। डिस्कशन मेथड तो नाम से ही आपको पता ही चल रहा है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कशन करते हैं। आप सभी ने ज़्यादातर कोई ना कोई इंटरव्यू तो दिया ही होगा, वहाँ पर एक जीडी राउंड होता है जहाँ पर 4 से 5 स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा दिया जाता है, एक कॉमन टॉपिक दिया जाता है और बोला जाता है उस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तो ये है आपका डिस्कशन मेथड, ये है आपका स्टूडेंट सेंटर। आते हैं हम लोग टीचिंग मेथड क्या होता है। टीचिंग मेथड में क्या होता है, एक क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स आते हैं और किसी चीज के बारे में बताते हैं, इसे कहा जाता है आपका टीम टीचिंग मेथड। जैसे बहुत सारी कंपनीज तो सबसे पहले आपके कॉलेजेस में आती है जॉब के लिए, मतलब जॉब देने के लिए, तो क्या होता है वो टीम टीचिंग मेथड का अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक टीचर जो है वो आपके एचआर रहते हैं, उसमें जो होता है वो आपके कंपनी के कोई हायर पोस्ट में रहते हैं, ठीक है, कंपनी के जो सीईओ है। एचआर क्या है, एचआर हम लोग बताते हैं कंपनी पॉलिसी क्या है, कंपनी का एनवायरमेंट क्या है, और सीईओ क्या बता रहे हैं कंपनी कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। तो ये क्या हो गया आपका टीम टीचिंग, ये क्या है आपका टीचर। फिर आते हैं ओपन लर्निंग में। ओपन लर्निंग मेथड में क्या होता है, आपको पढ़ाई का सामान दे दिया जाता है और आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और टाइम से जाके एग्जाम देना पड़ता है आपको। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इग्नू, क्योंकि आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अगर आप लोग एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपको किताब दे दिया जाएगा और टाइम से आपको असाइनमेंट देना पड़ता है, एक टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये हो गया आपका ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या है, देखिए आपका स्टूडेंट सेंट्रिक क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट को सारे स्टडी मटेरियल दे दिए जाते हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकता है और अपने हिसाब से असाइनमेंट दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मन में नहीं है तो असाइनमेंट नहीं दिया, या फिर उसका मन है तो उसने अच्छा असाइनमेंट दिया, अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। तो ये है आपका स्टूडेंट। फिर आते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड हम लोग को ज़्यादातर बचपन में ये ज़्यादा होता प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ पर हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में सीखने के लिए तो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। आपको याद होगा हम लोग को टाइप्स ऑफ वेजिटेबल को प्रोजेक्ट दिया जाता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का, तो इससे क्या होता था उसके बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज मिलता।
प्रोजेक्ट मेथड क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टूडेंट। देखिए टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक को डिफरेंशिएट करने के लिए और एक इजी तरीका है, जब भी पढ़ाई जो होगा एजुकेशन ऑलवेज जरूरी चाहिए, वो जब भी होगा और वो सिर्फ एक जन के लिए कहा जाएगा स्टूडेंट सेंट्रिक, एक इंडिविजुअल पर्सन के, तो वो जब एक ग्रुप के लिए होगा वो होगा आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन आपका डिस्कशन की तरह ही होता है, पैनल डिस्कशन पार्टिसिपेट किया जाता है, तब मतलब जो लोग पहले से उस टॉपिक के बारे में जानकारी है उनको लिया जाता है, ऐसे आपका डिस्कशन में कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, हो सकता है किसी को पता है उस टॉपिक के बारे में तो नहीं पता है, और पैनल डिस्कशन जो होता है पैनल डिस्कशन में सभी को उस टॉपिक के बारे में पता होता है, तो वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन चेंज कर, ये क्या हो गया आपका क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपना जो इंफॉर्मेशन है एक्सचेंज करता है इंडिविजुअल को। आते हैं आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग पे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई एक आइडिया दिया जाता है, जैसे आपको वेजिटेबल्स के बारे में बात करना है, ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में बात करना है जो कि हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। इससे में क्या किया जाता है, मान लीजिए 4 से 5 जन लोगों को एक साथ एक रूम में भरा जाता है और फिर उनके मन में जो भी आए आइडियाज आए एक पेन में नोट डाउन किया जाता है। ये तो एक इजी एग्जांपल दिया मैंने ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आए, मेनली ब्रेनस्टॉर्मिंग मार्केटिंग कंपनीज होते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई नया सोप आया या फिर कोई नया शैम्पू आया, उसका टैगलाइन क्या होगा, उस टैगलाइन को सोचने के लिए क्या किया जाता है, 4 से 5 तो मार्केटिंग के स्टूडेंट है उन्हें एक रूम में रखा जाता है और वो सभी अपने जो आइडियाज होते हैं एक के बाद एक और जल्दी से देते हैं, तो उन्हीं में से जो सबसे अच्छा आइडिया होता है उसे चूज किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपका आते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपके एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप एक लेवल को कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आप दूसरे लेवल पे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन है आपका ओपन एक्स में आप कोई भी कोर्स जब खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 वीडियोस देखने हैं, क्या होगा आप पहला वीडियो देखेंगे फिर दूसरा वीडियो देखेंगे, मान लीजिए आपने सोचा डायरेक्ट 4 नंबर वीडियो देख रहे थे, पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको पहले 3 नंबर वीडियो देखना होगा, आप 4 नंबर वीडियो देख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पहले से प्रोग्राम बना के रखा जाता है इंस्ट्रक्शन को कैसे दिया जाएगा। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए इसमें हर एक जन को अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था ट्यूशन क्लासेस के बारे में, हर एक पर्सन को अलग तरीके से प्रॉब्लम समझ के वो तो कहाँ पर डिफिकल्टी है या फिर डाउट है उसके हिसाब से उनको क्लास दिया जाता है। ये क्या है, ये है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। फिर आते हैं आपके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ज़्यादातर आपके फॉरेन के स्कूल में ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं
उनको पता होता है कि हर एक बच्चे का लर्निंग का लेवल, लर्निंग लेवल जो है वो अलग होता है। इसके लिए हर एक बच्चे को हेडफोन दे दिया जाता है और वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर लैब्स में जाते हैं, तो कंप्यूटर लैब क्या होता है, अलग अलग बैठाया जाता है। एक कंप्यूटर यहाँ पर एक स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं इनके सामने, ऐसा ही होता है आपके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को अलग सिस्टम से पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से और उसके लेवल से। तो डिफरेंशिएटेड ये हो गया आपका स्टूडेंट। फिर आते हैं रोल प्लेइंग पे। रोल प्लेइंग का मतलब क्या है, कोई ड्रामा करके जब हम लोग सीखते हैं, मतलब हम लोग को खुद को रखते हैं उस जगह, उस इंसान के जगह पे और उसे जब सीखते हैं। जैसे कि स्कूल में हम लोग ड्रामा करते थे, या फिर आप एक फेमस बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे कि सलमी दिस फेम, वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है आपका सेलर बनाया जाता है। इंटरव्यू दे रहा है आपका सेलर बनाया जाता है और जो इंटरव्यू ले रहा है उसे कस्टमर बनाया जाता है। कहा जाता है आपका रोल प्ले। ये रोल प्लेइंग का जो मेथड है तो ये रोल प्लेइंग के मेथड पे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको एक रोल दिया जाता है ताकि वो उस काम को समझ पाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सेल मी दिस पेन बोला जाता है, उसमें क्या होता है, एक जन कस्टमर बनता है, दूसरा आपका सेलर बनता है। ये हो गया आपका रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। उसके बाद आते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन में। वीडियो प्रेजेंटेशन जैसे नाम से बहुत ऑब्वियस है, वीडियो प्रेजेंटेशन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो दिखाया जाता है। जैसे आप नेशनल ज्योग्राफी में देखेंगे, डिस्कवरी में देखेंगे, कोई पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर, कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्राइसिस के ऊपर वीडियो बनाया जाता है और उसे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है, ये आपका टीचर, क्योंकि देखिए जो वीडियो बनाया गया, मान लीजिए आपके टाइगर्स के ऊपर वीडियो बनाया गया, तो वो वीडियो मैं भी सेम देखूंगा, वो वीडियो अफ्रीका में भी कोई अगर रहता होगा तो वो भी सेम चीज़ देखेगा। तो ये क्या हो गया आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। फिर आते हैं आपके लाइव सेशंस पे। तो लाइव सेशंस क्या होते हैं, ये आपके लाइव क्लासेस होते हैं, ये भी आपके मिक्स मेथड है। यहाँ पर टीचर सेंट्रिक मेथड भी रहता है और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड भी रहता है। कैसे, देखिए जब लाइव क्लासेस हो रहे हैं तब स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स देते हैं, डाउट्स देते हैं, तो वो हो गया आपका स्टूडेंट सेंट्रिक। और ये टीचर के कंट्रोल में रहता है कि वो कौन से कमेंट पढ़ते हैं या फिर कौन से कमेंट नहीं पढ़ते हैं। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, टीचर सभी कमेंट्स को नहीं पढ़ पाता है। ये आपके टीचर सेंट्रिक भी हो गया और स्टूडेंट सेंट्रिक भी हो गया। ये है आपका मिक्स मेथड ऑफ लर्निंग। फिर आते हैं इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो ज़्यादातर आपको बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक मीम बहुत फेमस हुआ था डोरा द एक्सप्लोरर का, तो वहाँ पर आप अगर देखेंगे डोरा द एक्सप्लोरर में क्या होता था कि एक कार्टून कैरेक्टर रहता था और एक कार्टून कैरेक्टर आपको क्वेश्चन पूछता था और थोड़ी देर वेट करने के बाद बोलता था हाँ ये सही है या फिर ये गलत है। ये क्या हो गया इंटरैक्टिव वीडियो, क्या आपका इंटरैक्टिव वीडियो अगर देखा जाए तो ये भी आपका कहीं ना कहीं मिक्स मेथड होगा।
क्योंकि देखिए अगर आप कोई फेमस वीडियो देख रहे हैं जैसे डोरा द एक्सप्लोरर ये सब का कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पहले से जो वीडियो रिकॉर्डेड है उसी के अनुसार रेस्पॉन्स दिया जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कोई एप्लीकेशन खरीदते हो, तो बायजूस का एप्लीकेशन खरीदते हो, वहाँ पर भी इंटरेक्टिव वीडियो रहता है, वहाँ पर जो सही चूज करते हैं उन्हें बताया जाता है ये सही है, और जो गलत चूज करते हैं उन्हें बताया जाता है ये गलत है, ये गलत क्यों है। ये हो जाएगा आपका टीचर सेंट्रिक प्लस स्टूडेंट सेंट्रिक, ये हो जाएगा आपका मिक्स मेथड। लेकिन अगर सिर्फ आपको दो ही ऑप्शन दे तो इंटरैक्टिव वीडियो आप टीचर सेंट्रिक मेथड पे टिक कीजिएगा। फिर आते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आप सबने कभी ना कभी तो कोई एप्लीकेशन लिया होगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। जैसे कि आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो अगर आप सही ऑप्शन पे टिक करो तो आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, और आखिर में मार्क्स ऐड करके आपके कंपेयर किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। क्योंकि देखिए जो डाटा है वो तो पहले से आपके इनपुट किया हुआ है, कौन सा सही आंसर है कौन सा गलत आंसर है, और ये इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे यूज़ करता है और उसे कौन सा सही मिलता है, उसके मार्क्स कितने आते हैं, वो मॉक टेस्ट कितने बार अटेम्प्ट करता है। ये हो गया आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। आते हैं गेम बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड लर्निंग भी आपके काफ़ी इंटरैक्टिव वीडियो जैसा ही है। फिर आते हैं सेमिनार्स। सेमिनार्स में क्या होता है, जो वीआईपी होते हैं वो लेक्चर सेशंस लेते हैं, जो काफ़ी एडुकेटेड पर्सन इसी फील्ड में काफ़ी अचीवमेंट किया है किसी ने, तो वो आपके लेक्चर लेते हैं। तो ये सेमिनार क्या हो गया, टीचर सेंट्रिक मेथड। फिर आते हैं हम लोग ट्यूटोरियल्स पर, तो यही आपका आखिरी है ट्यूटोरियल्स, इसके बाद और एक है। तो ट्यूटोरियल्स मेथड में क्या होता है, ट्यूटोरियल्स जैसे अभी आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, मैं आपको जितने आपके यूजीसी नेट ऑक्सफोर्ड की किताब है उसका एक कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, ये हो गया आपका ट्यूटोरियल। फिर आप कुकिंग वीडियो देख सकते हैं कि कैसे कुकिंग किया जाता है, वो भी है आपका ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स क्या हो जाते हैं आपके, क्योंकि पहले से आपके अपलोड किए जाते हैं ट्यूटोरियल्स, स्टूडेंट के बेसिस के ऊपर ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग केस स्टडी पे। केस स्टडी की अगर बात की जाए तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक और उस पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है उसका बेसिस क्या है ये सब देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में आपका 5G इंटरनेट इतने जल्दी कैसे हो गया, या फिर जियो ने इतना ज़्यादा मार्केट शेयर कैसे कैप्चर कर लिया, ये सब है आपका केस स्टडी। ये क्या हो जाएगा, ये है इंडिविजुअल प्रोसेस, ये कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। पर डिस्कशन मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा GD राउंड। देखते हैं इस क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग।
टीम टीचिंग के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, क्या बताया था, कोई कंपनी जब स्टूडेंट को सिलेक्ट करने आती है तब होता है आपका टीम टीचिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसरों का ऑप्शन, मोर देन टू टीचर्स, दो टीचर्स आते हैं टीच टुगेदर द सेम क्लास एज पर देर एक्सपर्टाइज। मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी से एचआर आते हैं और सीईओ आते हैं और वो अपने एक्सपर्टाइज में, उनको जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा। ठीक टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा पार्ट। आप लोग को कोई भी डाउट्स रहा होगा या फिर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम रहा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ये हो गया आपका टीचिंग मॉड्यूल। तो अब इनको हम लोग मिलेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ई लर्निंग फैसिलिटी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे।